ये सभी के सभी सेंटेंसेस इनकरेक्ट है चलिए एक बार पढ़कर देखते हैं आप भी साथ में पढ़िए बोथ इज फाइन इसमें क्या गलत है द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मर्डर इसमें क्या गलत है बिल्कुल ठीक लग रहा है द न्यूज हैव इसमें क्या गलत है वेयर वेयर इज इज द कैची तो where is बोलने में क्या गलत है वेन आई लास्ट सो योर ग्लासेज दैट वॉज ऑन द टेबल इसमें क्या गलत है ग्लासेज मतलब चश्मा द फुटबॉल टीम हैव अ न्यू कोच इसमें क्या गलत है गाइज सबके सब गलत हैं और क्या गलत है वो अब आपको दिख जाएगा जितने भी रेड कलर से वर्ड्स हैं ये सारे के सारे के गलत हैं हैं कैसे कैसे समझें इन चीज़ों को कैसे आप गलती ना करें सब कुछ मैं आपको बताऊंगी ये ये सभी जो गलतियां कॉमन है, हैं बहुत ही ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स हैं कह सकते हैं और ये आते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अंडर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज समथिंग जो आप इंग्लिश जब सीखने की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सीखते हैं इसी से तो आपको पता चलता है कि आई लाइक like बोलना है और शी लाइक्स बोलना है जी हाँ मतलब आप आई लाइक like बोल सकते हैं आई लाइक्स नहीं बोल सकते शी लाइक्स बोल सकते हैं शी लाइक like नहीं बोल सकते तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा इसे हम कहते हैं एस एस फॉर्म्यूला और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है जैसे माई कॉलीग्स तो जो आपका वर्ब है वो भी प्लूरल होगा इसे कहते हैं पी पी फॉर्मूला तो माई कॉलीग वॉज एंड माई कॉलीग्स वर्क तो ये सिंपल लग रहा है लेकिन जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स पहले दिए वो ट्रिकी हैं और कैसे आपको समझना है कैसे आप गलती ना करें वो इस वीडियो में एंड तक बने रहकर आपको समझ में आ जाएगा कंचन यू आर ऑन इंग्लिश कनेक्शन लेट्स बिगिन मैंने आपको शुरू में बोला द पुलिस इज अगर आप बोलते हैं तो वो गलत होगा सही क्या है द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मर्डर तो देखिए गाइस रूल्स हैं इंग्लिश में कुछ ऐसे जो आप अगर जानते रहेंगे तो गलतियां नहीं होंगी जो आपको एक्सेप्शन हमेशा मिलते रहेंगे मतलब अपवाद तो उस रूल का अपवाद भी मिल जाएगा लेकिन जो चीज़ हमारे सामने आए वो तो समझनी चाहिए तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए मैं आपको सारे रूल्स बता दूंगी और बहुत ही इजिली आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ और कुछ एग्जाम्पल्स आप खुद से

है, तीन रहे हो तो सबका जिक्र करते हैं इसलिए हम प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं तो क्या हम कभी भी सिंगुलर नहीं यूज कर सकते देखिए अगर आपको किसी इंडिविजुअल पुलिस कर्मी की बात करनी है तो आप क्या यूज कर सकते हैं पुलिस मैन अगर वो लेडी है तो आप बोलेंगे पुलिस वुमन और अगर आपको मैन या वुमन नहीं यूज करना है तो आप यूज करेंगे पुलिस ऑफिसर तो इसके साथ आप यूज कर सकते हैं सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब तो एग्जाम्पल देखिए द पुलिस वुमन इज लुकिंग फॉर एविडेंस ठीक है अब यहां पर हमने इज यूज किया और ये बिल्कुल ठीक है अ पुलिस ऑफिसर हैज अराइव्ड अब क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर की बात की इसलिए हैज यूज किया हैज अराइव्ड एट द सीन ऑफ द एक्सीडेंट क्लियर इस तरीके से आप एक एक चीज को समझ जाएंगे आई एम श्योर अब आप पुलिस वर्क के साथ गलती नहीं करने वाले गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें बेल आइकन को हिट करना जरूरी है तभी आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करेंगे अब हम आ गए इन वर्ड्स पे टीम क्लब फैमिली आर्मी कमेटी ऐसे और भी वर्ड्स है वो मैं आपको दे दूंगी इन सभी के साथ क्या होता है वर्ड्स टॉक अबाउट ग्रुप्स ऑफ़ पीपल ठीक है ये ग्रुप की बात करते हैं बट दे टेक द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड मतलब एक साथ हम ग्रुप को लेके चलते हैं और क्योंकि ग्रुप में तो कई सारे मेंबर्स हैं बट स्टिल हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं एग्जाम्पल देखिए द सॉकर टीम प्रैक्टिस हम एस आई एस वर्ब में कब लगाते हैं जब जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सो टीम के साथ हम प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं एवरी डे टू देयर स्किल्स ठीक है तो ये जब आए, तो ये वर्ड्स आए इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज करें तो फैमिली इज आप बोलेंगे ऑल राइट लेकिन मैंने आपसे बोला था कि एक्सेप्शन भी आपको मिलेंगे पहले कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं सभी वर्ड्स के साथ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे द चेस क्लब मीट्स देखिए क्लब के साथ हमने मीट्स यूज किया ठीक है एवरी इवनिंग फैमिली celebrates.

होता है कि हम सब का जिक्र कर रहे हैं तो वो प्लूरल है ऑलराइट ग्रुप right? की तरह लेकर नहीं चलते हैं क्लियर तो एक्सेप्शन्स आपको मिल जाएंगे कुछ और वर्ड्स हैं जो इसी तरीके से यूज होते हैं तो इसके लिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कौन-कौन से हैं वो गवर्नमेंट काउंसिल बोर्ड कमेटी ऑडियंस स्टाफ पॉपुलेशन पब्लिक कपल क्रू एंड इलेक्टोरेट ठीक है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सिजर्स ट्वीजर्स पैन्ट्स And glasses. इसके अलावा और भी बहुत सारे words हैं मैंने इस पर एक शॉर्ट्स भी बनाया है वो आप देख लीजिएगा मेरे शॉर्ट्स कीजिए मैं डेली अलावा देखिएगा क्योंकि अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो टेंसेज की जरूरत आपको पड़ती ही है तो ऑल टेंसेज की वीडियो जो कि एक घंटे में मैंने सभी टेंसेज आपको सिखाए हैं वहां पर क्लिक करके आई बटन पर आप उसे देख सकते हैं राइट अब देखिये इसमें क्या है सीजर्स का मतलब होता है कैची ठीक है ट्वीजर जो चिमटी आती है पैंट्स हो गए जो पैंट्स आप पहनते हैं और ग्लासेस हो गए मतलब जो हम चश्मा पहनते हैं ये सभी कहने के लिए तो एक-एक दो 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 दोनों आंखों के लिए ट्वीजर्स में भी दो पार्ट्स होते हैं इसलिए इन्हें प्लूरल किया जाता है और इसीलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब जाती है एग्जाम्पल देखिए वेयर आर माई हम वेयर इज माईर भी नहीं बोल सकते ठीक है ही बोलते हैं कैंची को कभी भी सिजर आप नहीं बोल सकते द ट्वीजर्स वर ऑन द काउंटर रेडी फॉर यू सो ट्वीजर्स बोलेंगे ट्वीजर नहीं बोलेंगे एंड वाज नहीं बोलेंगे वर बोलेंगे तो हमेशा प्लूरल है प्लूरल वर्ब लीजिए और एग्जांपल्स देखते हैं दीस पैन्ट्स आर टू टाइट ओके okay, तो pants बोलते हैं अगर आप ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहते हैं तो पैंट्स बोलिएगा पैंट कभी मत बोलिएगा क्योंकि दो लेग्स होते हैं सो पैंट्स आर व्हेन आई लास्ट सो योर ग्लासेस अब क्योंकि ग्लासेस है इसलिए हम दैट नहीं यूज कर रहे हैं हम दे यूज कर रहे हैं और क्योंकि ग्लासेस है इसलिए हम वर यूज कर रहे हैं दे वर ऑन द टेबल ओके वज हम नहीं यूज करेंगे गाइड अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में लिखिए दिल मांगे मोर उसके अलावा आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको अगले वीडियो में क्या चाहिए ऑल राइट देअ इज और देयर आर को समझते हैं There is बोले या कंफ्यूजन हमेशा रहती है वेदर वी यूज singular वर्ब और फ्लूरल वर्ब डिपेंड्स ऑन वॉट कम्स इमीडिएटली आफ्टर इट मतलब आप देखिए हम देर इज बोले या देर आर बोले किस पे डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है इसके जस्ट बाद यहां पर क्या आ रहा है देयर इज़ अ टेबल एंड फोर चेयर्स इन द रूम अगर हम ये देखें कि भाई एक टेबल है और चार कुर्सियां हैं तो कुल मिला के तो पांच चीज़ें हुई तो there आर यूज़ करना चाहिए राइट तो इस पर डिबेट चलती रहती है बट रूल क्या कहता है जिस पे ज़्यादातर लोग अग्री करते हैं कि जो इसके जस्ट बाद आए अगर वो सिंगुलर है तो आप इस कर लो ठीक है अगर वो प्लूरल है जैसे अब मैंने पलट दिया इसी चीज को देर आर फोर चेयर्स एंड अ टेबल टेबल बाद में कर दिया चेयर पहले तो चेयर्स फोर है सूरल है इसलिए आर यूज कर लिया तो ये चीज ध्यान में रखेंगे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्लियर आई एम श्योर नाउ इट्स इजी देयर वॉज एन ऐपो

ठीक है हमें ये देखना है कि भाई उसके बाद जो चीज आ रही है जो नाउन ना आ रहा है वो क्या है सेंगुलर है या फिर प्लुरल देर हैव बिन मेनी कार एक्सीडेंट सो मेनी कार एक्सीडेंट्स इसलिए हमने हैव यूज किया ऑन द स्ट्रीट क्लियर चलिए न्यूज इकोनॉमिक्स जिमनास्टिक्स एंड पॉलिटिक्स इन सब में देखिए सबके एंड में लगा हुआ है एस तो देखने में लग रहा है सुनने में लग रहा है प्लूरल है लेकिन ये सबके सब सिंगर सब माने जाते हैं दे आर ग्रामेटिकली सिंगुलर द न्यूज हैज बिन पब्लिश न्यूज हैव आप कभी नहीं बोलेंगे और इसीलिए शुरू में वो सेंटेंस गलत था न्यूज देखने में एस है प्लूरल लग रहा है तो भाई प्लूरल होगा नहीं इसे सिंगुलर कंसिडर किया जाता है ओके okay, ये कह सकते हैं कई चीजें अनकाउंटेबल कंसिडर की जाती है इन्हें गिन ही नहीं सकते तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब जाता है ठीक है इकोनॉमिक्स वॉज माई बेस्ट सब्जेक्ट इन स्कूल ये सब्जेक्ट है ये प्लूरल नहीं

और एग्जाम्पल्स देखते हैं जिम्नास्टिक्स इज ग्रेट एक्सरसाइज सो एस है बट इज़ इज़ लगाएंगे पॉलिटिक्स अ सब्जेक्ट दैट आई फाइंड कॉम्प्लेक्स एक्चुअली ऑल राइट अब क्या है चिल्ड्रेन पीपल मेन विमेन माइस फीट कई बार आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा टीथ जबकि टीथ खुद प्लूरल वर्ड है

क्या so, है माउस का प्लूरल है ओके सो माउस माइस माइस ऑफ इन सीक अगर यहाँ माउस होता तो ये सीक्स होता माइस है इसलिए सीक शेल्टर इन द कोल्डर मंथ्स, माई फीट आर सोर आफ्टर लॉन्ग हाइक फीट आर फुट इज ओके फुट होता है सिंगुलर और फीट होता है All right, अब है हमारे पास इसमें तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं एवरी वन और एवरी बॉडी इसका मतलब होता है हर एक ठीक है अब एवरी लगने की वजह से ये लगता है कि एवरी बोल रहे हैं मतलब प्लूरल ही होगा इवन दो द वर्ड्स एंड बडी रिफर टू मल्टीपल पीपल ठीक है इन इंग्लिश ग्रामर दे टेक द सिंगुलर वर्ड फॉर्म एज ही शी शी इट ही साथ लगाते हैं वही आप एवरी वन एवरी बडी के साथ लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर है हर एक बात एक की ही हो रही है इसमें ठीक है सो एनी बडी हो एनी वन हो दोनों सेम है सम सेम है नो बडी और नो वन भी सेम है इन सबके साथ भी सिंगुलर वर्ड जाती है ठीक है एवरी वन हैज प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे everybody is happy, everybody are happy नहीं बोलेंगे डनी बडी वॉन्ट कॉफी हम यहाँ पर डू एनी बडी नहीं बोलेंगे नो बडी लाइक्स द न्यू टीचर नो बडी लाइक नहीं बोलेंगे ऑल right ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं गाइज़ आपकी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख कर बताइए इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ आई होप कि आपके लिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों ये भी लिख के बताइए कुछ आप अपने से सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में आप करते रहें प्रैक्टिस जय हिंद